और यहाँ मैं कर रही हूँ शाम की दिया बाती। इसके बाद मैं मंदिर जाऊँगी। और यहाँ मैंने दो दिए रखे हैं, एक मैं तुलसी माता के पास रखती हूँ और एक मंदिर में रखती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी ट्रांसनास ब्लॉग। और आज है संडे, घर पे मैंने दिया बत्ती कर लिए। शाम के मतलब 7 बजने में 10 मिनट बाकी है, 6:50 हो रहा है। और मैं जा रही हूँ एक्चुअली मंदिर, यहाँ पास में चामुंडा माता के मंदिर में हर संडे जाती हूँ। तो चलिए फिर आपको भी लेके चलती हूँ मैं। नहीं उठाते बेटा, रखो। नहीं उठाते, वो गंदा है। रखते क्यों नहीं उठाते? अरे बाबू बदमाशी नहीं करो बेटा, चल। लगती है पता है इससे क्या होता है? मुझे चिंता सो गई है। इस साइड आ जाओ। जो मेरे जाओ दर्शन करो, आगे जाओ, हाथ जोड़ो। तो जैसे कि आपने सुना, एक बच्ची भी बोल रही है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, तो सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। और मैं यहाँ बनाने लगी हूँ लौकी की सब्ज़ी, बोटल गार्ड की सब्ज़ी, जिसके लिए मैंने कुकर में डाल दिया 2 चम्मच घी, 2 बड़े चम्मच। अब मैं इसमें डालूँगी जीरा 1 छोटे चम्मच, और उसके बाद मैं डालूँगी करी पत्ता, 8 से 10 पत्ते हैं ये, और फिर मैं डालूँगी हींग। और 2 मीडियम साइज़ के प्याज है बारीक कटे हुए, उसे भी हम डाल देंगे। और यहाँ टमाटर डालने से पहले मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था, बट पता नहीं कैसे वो क्लिप मिस हो गई, तो आप ज़रूर डालना, और उसके पकने के बाद ही टमाटर डालना। और यहाँ मैं डालूँगी नमक, ताकि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ, अच्छे से पक जाएँ। और मैं एक आपको बात बताना चाहती हूँ, मेरी मम्मी बहुत सारे यूट्यूबर को देखती हैं, मतलब जो उनके फेवरेट हैं, बट अभी तक ना उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया था उन लोगों को। जब मैं यूट्यूब पे आई, जब उनको पता चला कि हाँ भाई सब्सक्राइब, तो उनको ऐसा था कि हम मेरे सब्सक्राइब करने ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर उनको पता चला कि नहीं, फ़र्क पड़ता है। तो अभी उन्होंने सबको सब्सक्राइब कर लिया है, तो प्लीज़ आप लोग भी समझदार बनो और सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। और यहाँ मैं डालूँगी सूखे मसाले,
जिसमें वही नॉर्मल मसाले डेली रेगुलर मसाले हैं, धनिया जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। गरम मसाला डाला है थोड़ा सा मैंने, आधा चम्मच। थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि जले नहीं मसाले और अच्छे से भुन जाएं। मसाले हमारे भुन गए हैं अच्छे से, आप कलर देख सकते हो मसालों का। अब इसमें मैं डालूंगी चना दाल, जो पहले से एक दो घंटे पहले से मैंने सोख करके रखा है, उसे भी हम अच्छे से चला लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी लौकी, जो छिलके और धो के बारीक काट लिया था मैंने, यानी मन चाहे टुकड़े में आप काट लीजिए, जो भी जैसे भी आपको सही लगे, और उसे हम चला लेंगे अच्छे से। और इसमें मैं आधा ग्लास पानी डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे पराठे बनाने हैं इसके बाद। तो आप अगर राइस के साथ बनाना चाहते हो, राइस के साथ बना रहे हो, तो उसमें आप पानी की मात्रा बढ़ा सकते हो, ग्रेवी ज़्यादा रख सकते हो। और यहाँ मैं एक बड़ा चम्मच घी डाल रही हूँ, आप ज़रूर डालना, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और तीन सीटी एक्चुअली मैंने लगाया था, लेकिन हुआ नहीं था तीन सीटी में, तो आप कम से कम पांच सीटी लगाएं। वापस मैंने ढक्कन लगा के तीन सीटी लगा लिया था, तो सब्ज़ी हमारी रेडी हो गई थी। पाँच से छः सीटी आपको लगानी है ताकि दाल अच्छे से गल जाए, जो दाल हमने इसमें डाला है। लौकी गलने में टाइम नहीं लगता, बट दाल गलने में टाइम लगता है, तो उसको पकाना है हमें। आप देख सकते हो कलर कितना अच्छा आया है, बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है ये।